फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मैनिट कैंपस के अंदर। अभी मेरा दोस्त आने वाला है, तो यहां पे मेरे को रिसीव करेगा। यहां शायद मैं किसी हॉस्टल के सामने खड़ा हूं। यहां से रिसीव करने के बाद हम लोग चलेंगे डिपार्टमेंट की ओर। तो मेरा डिपार्टमेंट है सिविल डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चर ब्रांच। तो अपन चलेंगे, तो देखते हैं कब तक आता है। अभी कॉल किया था उसको, शायद आता ही होगा। थोड़ी ही देर बाद हम आपको यहाँ का कैंपस का टूर करवाएंगे और यहाँ की सारी चीज़ें आपको के साथ शेयर करेंगे, हॉस्टल से लेकर मेस से लेकर सारी चीज़ें। तो यहाँ आई थिंक हमें 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं और आपको एक बढ़िया सा ब्लॉग दिखाते हैं। तो ये हॉर्नेट आ गई है। अच्छा सॉरी, मेरा दोस्त आ गया है। वेलकम टू मैनिट। तो अब चलते हैं, अब मजा आएगा आप लोग को। अरे बाप रे, रुकते क्लास में जा रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं। अभी हम लोग नाश्ता करने चल रहे हैं। एक सवारी और बैठ जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले क्लास कौन सी लगेगी? FEM फाइनेंस। तो अभी हम मेस की ओर जा रहे हैं और नाश्ता करते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बैठे हैं हॉस्टल 11 के अंदर और ये अभी आपको मेस दिखा रहा हूँ। और हमारे दोस्त विशाल से मिलिए आप, क्योंकि हमारे साथ ही पढ़ेंगे और अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमारे इससे तो आप मिल चुके हैं मेरे पहले की वीडियो में, तो इससे दिक्कत नहीं है। और यहाँ का मैं थोड़ा सा नाश्ता दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का ब्रेकफास्ट में आपको मिलेगा चना, केला, केचप और ब्रेड, और यहाँ पे प्यारी प्यारी चाय मनपसंद। और यहाँ का थोड़ा सा मैं विशाल भाई का एंगल लेना चाहता हूँ। और ये आप मेस का व्यू देख सकते हैं। अभी कहाँ चल रहे हैं? नहीं, मेरी बनाते हैं। साल में अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? अपन हम सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाली क्लास में। इसके बाद अपना कौन सा लेक्चर लगेगा? अब अपना प्रियंका मैम का है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं दूसरा लेक्चर अटेंड करने और अभी अपन पहुंच गए हैं सेकंड फ्लोर में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ कोई नहीं है। अभी कहाँ, लेफ्ट की राइट? तो ये पहले दिन ही मेरे इतने सारे दोस्त बन गए, कौशिक, अभी विशाल और रोहित से तो आप मिले। आदि सॉरी। तो आइए अब चलते हैं प्रियंका मैडम के लेक्चर अटेंड करने। और कहा लेक्चर है? अरे सुनी को जाना है। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरा लेक्चर अटेंड करने, जिनका प्रियंका मैडम का लेक्चर होगा। और इसके बाद आपको यहाँ के थोड़ा सा टूर भी कराएंगे हम, कैंपस के बारे में बताएंगे, यहाँ की सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आप लोग को क्लास का व्यू भी दिखाना चाहता हूँ, क्लासेस किस टाइप से लगती हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो कब तक डालेगा? मैं यहाँ पे मेरे दोस्तों से मिलिए, फर्स्ट डे में ही इतने सारे दोस्त बन गए हैं। सबसे पहला रोहित, सुमित, यमन, हेमंत, योगेश, कहाँ, हेमंत टू और आदि।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे एक दिन में इतने सारे दोस्त बन गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ का बोर्ड वगैरह आप देख सकते हैं, कभी देखे नहीं होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड, और ये यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुबे सर की क्लास अटेंड करने, आज है कि नहीं है? अच्छा सर के पास ही जा रहे हैं। और ये है अपना सिविल डिपार्टमेंट, तो ये जितने ब्लॉक देख रहे हैं आप लोग ये अपना सिविल डिपार्टमेंट है। और ये हमारी टीम जाते हुए, तो अभी हम लोग लेक्चर थर्ड अटेंड करने जा रहे हैं। तो लेक्चर थर्ड हमारे एसके दुबे सर करेंगे, तो आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल नंबर 9 में। यू कांट रिसाइकल वेस्टेड टाइम, नोट दैट, सेव कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल ये है, अभी अपन दूसरे मैच में जाते हैं, यहाँ चालू जा रहे हैं 2-3 दिन बाद। टेबल टेनिस यहाँ चालू है, टेबल टेनिस वो कहाँ गया? आदित्य रावल चला गया ना, वो बोल रहा था खेलने को, वो नहीं आया? नहीं आया, चला गया घर। वहाँ चलते ना, इसमें हर्ष कहा जाए। हाँ ठीक है, देख आते हैं ना फिर। हाँ चलो चलो। तो अभी हम हैं हेमंत भाई के साथ, और अभी हम जा रहे हैं उनके हॉस्टल। तो कौन से नंबर पे है आपका हॉस्टल? 11, 9 नंबर। तो 9 नंबर पे अपन जा रहे हैं अभी, अभी एक दोस्त से मिलते हैं। बढ़िया कैसे हो? अरे तुम बहुत यार, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। अभी हम लोग खड़े हैं हॉस्टल नंबर 9 पे, और ये हमारी टीम जा रही है चिल करने। और यहाँ पे अपने मृत्युंजय, रोहित, राकेश के रूम में जा रहे हैं अभी। और ये आप यहाँ से थोड़ा सा कैंपस के हॉस्टल का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल मेरे को अच्छा लगा, यहाँ पे अच्छा है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह भी आज सुबह किए थे। और ये हर्ष आते हुए, अभी आपको एक बढ़िया सा कंटेंट मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल सीरियस बॉय के पास, टॉपर टॉपर्स, बिल्कुल 100-1000% अटेंडेंस। आप यकीन ना करोगे, अभी दिखाते हैं आपको कौन सा वो हॉस्टल रूम नंबर है। 110 110। तो आइए अब आपको बढ़िया सा ब्लॉग दिखाते हैं। अभी भाई मैं तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, तो रजिस्टर लेके आया हूँ घर से लिखने के लिए, कोरे पन्ने वाला इतना तेज नहीं, तू तो गेट खोलने के बाद दियो। डर क्या भाई, डरा दिया, डर क्या, ऐसे नहीं पकड़। नहीं,
हम मेस में खाना खा चुके हैं और इसके बाद आपको कैंपस के अंदर का दिखाते हैं। अभी दोस्त आएगा तो उसके साथ अपन जाएंगे। इसके बाहर के लोकेशन का एरिया का मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करूंगा, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद इसके मैनिट के मेन कैंपस में, एंट्री जोन में, और एंट्रेंस के आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। और यहाँ पे मेस में खाना पीना हो गया अपना, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप हॉस्टल नंबर 11 का मेस देख सकते हैं, यहाँ से अंदर एंट्री जोन है। और यहाँ पे आप अंदर जाके ये कैंपस का, हाँ, तो हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। आपका नाम? प्रखर दीक्षित। कौन सा हॉस्टल में? हॉस्टल नंबर 9 पे। तो आप लोग इनसे भी मिल सकते हैं, अभी ये मेरे न्यूली फ्रेंड बने हैं, अभी अभी जस्ट बात करते हुए। तो चलिए आपको और इसके आगे का दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्त के रूम में जिसका नंबर है 9165। तो देखते हैं कहाँ पे है 9165. तो अभी हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया है और अभी FEM का लेक्चर था, तो सर ने एक्स्ट्रा क्लास ली थी। अब हम जा रहे हैं यहाँ के सामने का, आपको फ्रंट व्यू दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मेन एंट्री है और ये देखिए कॉलेज बहुत ही शानदार दिख रहा है यहाँ से। वहां पे आप देख सकते हैं वहां पे पार्किंग एरिया है और यहाँ से साइकिलिंग के लिए, साइकिलिंग पार्क के लिए सामने आपको SBI देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट का एंट्रेंस पॉइंट, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अपना कॉलेज। और यहाँ पे डीन एकेडमी, वहां पे आप देख सकते हैं डीन एकेडमी, यहाँ से आप लेफ्ट में जाएंगे। तो अभी हम लोग खड़े हैं MP के सबसे टॉप कॉलेज के सामने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैनिट की मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भोपाल में है। तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट दिखाते हैं हम। अभी यहाँ से फ्रंट में आप देखेंगे इस मैनिट का कैंपस का टूर, और यहाँ पे पार्किंग एरिया भी आपको दिखाया जाएगा। पीछे आप कार पार्किंग का एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे आप बाइक पार्क का एरिया है, और वहाँ पे आप देखेंगे तो साइकिलिंग पार्किंग का है। यहाँ पे आप एक स्टैचू देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनाया गया है, तो शायद इसमें आएगा फ्रेम में, आपको पास में जाके दिखाना पड़ेगा। वहाँ पे एक स्टैचू है थोड़ा सा टर्मिनेटर। तो यहाँ से मैं आप लोग को एक सर्कुलर व्यू देना चाहता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैनिट के स्टूडेंट ने बनाया है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर। तो यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, कैसे टायर का यूज करके और कुछ गैजेट का यूज करके इसको बनाया गया है। और यहाँ पे स्पेस शिप टाइप से लग रहा है, वही है क्या? हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं स्पोर्ट्स क्लब में, और हम लोग जैसा कि पीछे आपको दिख रहा है ये वॉलीबॉल कोर्ट है, इसके पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है, और ये पूरा स्पोर्ट्स क्लब है। यहाँ पास आपको टीटी सच में ट्रेनिंग जिनके लायक है या नहीं, और वो फुटबॉल ग्राउंड है, और आपको क्रिकेट में अगर इंटरेस्ट है तो क्रिकेट ग्राउंड उधर साइड है, अभी वो थोड़ा उसमें मतलब घास फूस है, तो अगर आप एंड में आएंगे दिसंबर के बाद आएंगे तो ऑब्वियसली वो क्लीन रहेगा। और पीछे हॉस्टल्स हैं सारे के सारे, टोटल 11 हॉस्टल्स हैं यहाँ, जिसमें से हॉस्टल 9 तो आप दिखा चुके हैं अपन लोग, हॉस्टल 7 सिर्फ गर्ल्स के लिए है तो उसको भी दिखा देंगे एक बार। पीछे अपन बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग से आए, ये सारी सारी इधर बिल्डिंग्स हैं, ये हॉस्टल्स हैं, और इधर भी पूरे हॉस्टल्स ही हैं। बस अगर आपको एक सजेशन है, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आ रहे हैं किसी काम से, तो आप एक बाइसिकल यूज कर लें, रखी लें, या फिर कहीं से इशू करा लें, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स काफी डिस्टेंस में है, या तो 2 किलोमीटर या तो 3 किलोमीटर। आपको मेन गेट से अगर ऑफिस तक आना है तो आपको 1.5 किलोमीटर ट्रेवल ही करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, दैट्स द सजेशन। Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, and I did not know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, 'cause I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything will be alright, come on, raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, the memories bring back to. There's a time that I remember,